Mandrovi वाक्य मंत्र विभाग दर्शकों, मंत्र विभाग में आज मैं आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसमें जन्म कुंडली में यदि सूर्य अष्टम स्थान में होता है तो उसका सामान्य फल क्या होता है इसके बारे में कहा गया है। यह मंत्र इस प्रकार से है, निधन गत दिनेशे चंचलस त्यागशील किल बुधगण सेवी सर्वदा रोग युक्त वितथ बहुल भाषी भाग्यहीनो विशालो मतिंत चिरंजीवी नीच सेवी प्रवासी। अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य निधन गत दिनेशे अष्टम स्थान में होता है ऐसा जातक चंचल होता है, त्यागशील होता है, शीलवान और त्याग करने वाला होता है। ऐसा जातक वृद्धों की और सज्जनों की सेवा करता है। ऐसा जातक सर्वदा रोग युक्त जीवन में हमेशा रोगी या रोग से पीड़ित होता है। ऐसा जातक वितथ बहुल भाषी ज्यादा बोलने वाला होता है। ऐसा जातक भाग्यहीनो विशालो भाग्यहीन होता है। ऐसे जातक को जीवन में भाग्य बल बहुत ही कम साथ देता है। और ऐसा जातक मतियुत चिरंजीवी मतिमान बुद्धिमान होता है, चिरंजीवी होता है, नीच सेवी होता है, नीच लोगों की या बुरे विचार वाले लोगों की संगत में रहने वाले होते हैं। और ऐसे जातक प्रवासी होते हैं, अर्थात ऐसे जातक जीवन में यात्रा करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं और विदेश में स्थिर भी होते हैं। दर्शकों, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अष्टम स्थान में होता है सामान्य रूप से उन जातकों में इस मंत्र में बताई गई ज्यादातर बातें पाई जाएगी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको दैनिक राशि को बताया, मोटापा कम करने का और कारोबार बढ़ाने का उपाय बताया, विशेष में आज हमने शनि ग्रह और उससे संबंधित व्यवसाय के बारे में जाना, मंत्र विभाग में आज हमने ऐसे मंत्र के बारे में जाना जिसमें जन्म कुंडली में यदि सूर्य अष्टम स्थान में होता है तो उसका क्या फल मिलता है इसके बारे में कहा गया है। मैं आशा करता हूँ आज बताई गई सभी बातें आपको दैनिक जीवन में वास्तविक रूप में उपयोगी होगी। आप सबका आज का दिन शुभ रहे, आने वाला समय अति शुभ रहे, ऐसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं भावेश दवे आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।